नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी का पूरा जीवन बदल कर रख देगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके राशि में, अब आपके कुंडली में जो ग्रहों का निर्माण हो चुका है, दोस्तों सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। शादी दोस्तों जो लोग आपसे जलते थे, दोस्तों यश में उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि दोस्तों उन्हें कभी यह बात की पता भी नहीं होगी कि आपको इतनी बड़ी सफलता इतनी जल्दी मिल सकती थी, क्योंकि दोस्तों हमेशा वह आपकी बुरी दौर का इंतजार करते थे। लेकिन दोस्तों भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कुछ ऐसे ही बड़े शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के नसीब को पूरी तरह चमका देगा। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें तो दोस्तों अब आपका भाग्य उदय का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 7 दिनों का समय आप सभी के लिए भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का वरदान वाले समय साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, यश में आपका किया गया कार्य जीवन काल में हर मुश्किल परिस्थितियों में आपको सफलता दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, यश में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी कि दोस्तों आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें, आपको 6 बड़ी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना दोस्तों आप जो स्थिति में पहले थे वही स्थिति में रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप तो यह बात जानते हैं कि दुश्मन को एक चीज कोई गलती मिल जाए तो दोस्तों आपकी वह 100 गलती बना देता है। जी दोस्तों, और इसी तरह आप सभी के जीवन काल में जब ग्रहों की शुभ स्थिति बनती है तो दोस्तों उसी तरह अगर आपकी एक असावधानी आपके बनते बनते कार्यों में भी रुकावट डाल सकती है। इसलिए दोस्तों हमारा अवश्य यही निवेदन रहेगा कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको 7 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये 7 बड़ी खुशखबरी सभी के होश उड़ाने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में मचने वाला है सबसे बड़ा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, सभी का मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप यह बात जानते हैं कि जब भी ईश्वर देता है तो दोस्तों छप्पर फाड़ के देता है। जी हाँ दोस्तों, और भगवान के घर कभी अंधेर नहीं होती। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी ईश्वर हमें कुछ देते हैं, जब भी आपको कोई खुशी मिलती है, तो दोस्तों आपकी उन खुशी के पीछे कुछ लोग ऐसे लग जाते हैं जिनसे आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। इसलिए दोस्तों यश में आपको 6 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी के जीवन काल में नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का हाथ एक साथ आपके सर पर पड़ने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वह दोस्तों समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अनोखे चमत्कार होने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी का घर परिवार खुशियों में झूमेगा, हर जगह में आपका ही नाम होगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके सर पर पड़ेगा। माता लक्ष्मी का हाथ आपके सर पर आने वाले 7 दिनों तक रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों हम आप सभी से यह बात कहना चाहेंगे कि जो भी आपको खुशखबरी मिले, जो भी आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो, दोस्तों उनका ढिंढोरा बाहर में बिल्कुल भी मत पीटिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन न बदल जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से कि कौन कौन सी आपको 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आने वाले 7 दिनों के अंदर, साथ ही कौन सी 6 विशेष बातों का ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का स्मरण आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल के बहुत सारे संकट आपके क्षण में समाप्त हो जाएंगे। शादी दोस्तों चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, बहुत ही अच्छी वाणी से, जो कि दोस्तों हर मनुष्य के जीवन काल में चमत्कार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को बिल्कुल ही गौर से सुनिएगा, आपको हर मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान प्राप्त होगा। दोस्तों
ये तीन बातें हैं आप सभी को बता दें कि जिंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मजा लीजिए, न कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करिए। आज तीन ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों लोग आगे बढ़ने में विफल हो जाते हैं, जबकि इनसे बाहर निकलना भी बहुत ही आसान है। जी दोस्तों, सबसे पहला बात है कि दोस्तों जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वह मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करे या जरूरी नहीं है, ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ने में आपके जो रास्ते हैं वह बंद हो जाएंगे। और दोस्तों दूसरी बात है, जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। आप हर काम कर सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो यह जरूरी है। दोस्तों यह सोच बिल्कुल ही गलत है, यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे अपनी तरीके से व्यतीत करिए। जी दोस्तों, इनसे आप हमेशा खुश रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आज का यह परमवाणी परम ज्ञान अगर आपको सत्य लगा हो, इन पर यकीन हुआ हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों से यही शायद बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कौन सी 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन सी 7 विशेष बातों का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना का प्रारूप बनाना आपको कार्यों में गलती होने से बचाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति की आपको मदद करनी पड़ सकती है, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको मानसिक और फिर आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी नए काम की पहली कमाई आने की संभावना भी यश में बन रही है। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मामा पक्षों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। ये जो समय है आपके लिए, आपका अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत होगा और दोस्तों परंतु उसका कोई भी लाभदायक नतीजा आपके सामने यश में नहीं आएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आर्थिक स्थिति कुछ मंदी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपको बता दें, यह समय आप जो है महत्वपूर्ण संबंधी कोई भी सकारात्मक बात आपको इसमें पता भी चल सकती है, जिस बात के बारे में आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों उसी से संबंधित प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी। आपको बता दें कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लौटने की कोशिश कर सकता है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपको कोई अच्छी खबर यश में मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत आप महसूस करेंगे तथा घर परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य भी यश में बना रहेगा। दोस्तों कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको इससे नई ऊर्जा की अनुभूति भी होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, गुणात्मक और रचनात्मक संबंधी कार्य में आपका विशेष यश में रुझान बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अपने विचारों में लचीलापन रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी बात पर जिद करने या फिर अड़ जाने से आपके काम खराब हो सकते हैं, तो दोस्तों इस बात के इसमें आपको अति ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करना आपकी समस्याओं का हल निकाल सकता है। दोस्तों यश में संतान की गतिविधियों पर आपको नजर रखना अति आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि दोस्तों आपके प्रयत्न की यश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय सकारात्मक फल देने वाला समय होगा। दोस्तों सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए भी काम से संबंधित कोई अच्छा खबर भी, अच्छा सूचना भी यश में मिल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि शुरुआत में आपके महत्वपूर्ण कामों से जुड़ी सभी योजनाएं बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो समय होंगे आपके लिए उतना आपके पक्ष में नहीं होंगे, उतना आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे जितना आप परिश्रम करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे, आप अपने अंदर बहुत ही आत्मविश्वास को इसमें महसूस करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षमता में यश में पूरे दिन पूरे समय में आपको वृद्धि होने की संभावना बन रही है। आपको बता दें यश में भावुकता और आलस्य अपने आप को आपको दूर रखना चाहिए, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए तथा दोस्तों यश में अनुकूल समय का बेहतरीन उपयोग आपको करना चाहिए।
आत्म केंद्रित होने के बजाय आपको सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी रुझान यश में रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए शुभ होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों मौज मस्ती पर जरूरत से अधिक किया पैसा खर्च आपके लिए खराब हो सकता है। दोस्तों खर्चा आपके लिए तकलीफदायक या फिर तकलीफ पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि पैसे और व्यक्तिगत जीवन संबंधित अधिक जागरूकता जो है दिखने की आवश्यकता इसमें हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बना तनाव यश में कम हो रहा है, फिर भी दोस्तों काम पर आप पूरी तरह से ध्यान यश में नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से आपको नुकसान होने की आशंका बन रही है। तो दोस्तों खासकर इससे आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने ध्यान पर आपको जो है अपने काम पर आपको ध्यान केंद्रित करने की इसमें आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए सुनोगे, आपको बता दें कि दोस्तों वर्तमान में ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत अद्भुत शक्ति का निर्माण कर रही है, आपको अद्भुत शक्ति इसमें प्रदान करने वाली है। दोस्तों अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचाने और उसका उपयोग करें। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में इसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि इसमें आपको कई दिनों से लेकर जो भी सूचना नहीं मिली थी दोस्तों वह महत्वपूर्ण सूचना इसमें आपको मिलने वाली है। इसको प्रांतों से यश में ज़्यादा सोच विचार करने से समय को नष्ट ना करें तथा अपनी योजनाओं को तुरंत जो है क्रियान्वित करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। बाहरी गतिविधियों में भी आपको यश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आपके लिए यश में परेशानी का कारण बनेगा। तो दोस्तों इनसे सावधान रहें। शादी यश में आपको अपने गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को संभालने की जरूरत होगी। दोस्तों ये आपके लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार के साथ हो रहे पुराने झगड़ों को खत्म करने की आपको यश में कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों यदि कोर्ट में या फिर प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी विवाद चल रहा हो तो दोस्तों उसे आपसी सामंजस्य से मिटाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों केस से संबंधित जो भी निर्णय होंगे वे आपके पक्ष में इसमें होने की संभावना जो है बहुत ही कम होगी और इससे आपको नुकसान भी होंगे। तो दोस्तों जितना हो सके इसमें समस्या को घर बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। व्यवसायिक स्थल पर कार्य प्रणाली में बहुत अच्छा बदलाव भी आने की संभावना बन रही है। पब्लिक रिलेशन रखने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों व्यवसाय संबंधी नए स्रोत भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग हैं आपके संपर्क में रहेंगे और नौकरी में किसी प्रकार की तरक्की भी इसमें आपको दिलाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम से संबंधित कोई नुकसान होने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, खासकर अपने कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों तथा काम की क्वालिटी पर आपको विशेष नजर रखना चाहिए। आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्ति भी अपने अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। यश में आपको अपने ऑफिस के काम का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। शायदार संबंधी बिजनेस में इसमें मुनाफा होगा। अपने सहयोगों के निर्णय में विशेष महत्व दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, जो कि आपके लिए इसमें फायदेमंद साबित होंगे। आपको बता दें कि सरकारी स्वायत्त व्यक्तियों के लिए आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आने की वजह से नौकरी संबंधी जिम्मेदारियाँ आपका इसमें और अधिक बढ़ने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जिसमें होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जिसमें होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि साझेदार संबंधी कार्य यश में मुनाफे में रहेंगे तथा पार्टनर के साथ आपसी सहयोग और सलाह व्यवसाय को और अधिक गति प्रदान करने वाले हैं। नए अनुबंध भी यश में आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी यश में प्राप्त हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों प्रेम संबंधों में नजदीकियाँ आने वाली है। पति पत्नी के संबंध में ईगो को लेकर नोक झोंक रह सकती है। आपको बता दें कि अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अपने वाणी पर संयम रखना है और कोई भी कार्य को करने से पहले अपने जीवन साथी का सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए यशमय बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पति पत्नी के किसी बात को लेकर नोक झोंक तो रहेंगी, किसी भी वाद विवाद में शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और आप इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा भी पाएंगे। तो दोस्तों जो है गुस्से के बजाय इसमें शांतिपूर्ण तरीका का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों परिवार व फिर नजदीकी मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से संबंध में और अधिक मजबूती आएगी, तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही इनसे पारिवारिक वातावरण और भी सौहार्दपूर्ण बना रहेगा।
और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों यश में सर्दी से अपना बचाव रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें और इसके लिए आपको योगा और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें अगर आप साधनों को रोकेंगे तो अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। कभी कभी मनोबल में कुछ कमी भी महसूस होगी परंतु जल्दी ही आप ऐसी स्थिति भी उभर जाएंगे। तो दोस्तों यश में आपको इन पर ध्यान देना चाहिए, सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी।